मैं पंकज कुमार और प्लाई महल टीम इज ऑल्सो रेडी। काफ़ी दिनों के बाद मार्केट खुलने को तैयार है। कस्टमर वापस आएगा या नहीं आएगा, ये सोच पिछले लॉकडाउन के बाद थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बारी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कस्टमर को, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर को पता है कि डिमांड तो वापस आनी ही आनी है। पिछली बारी के समय काफ़ी चीज़ें बिल्कुल लॉक्ड थी जो इस बारी नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन दिल्ली में एक हफ्ते पहले स्टार्ट हो गई थी दिल्ली में, जिससे कि एक हफ्ते के अंदर काफ़ी जगहों से हम लोगों को फ़ोन आने लग गए, जिससे हमें लगता है कि इस बारी चीज़ें अपने ट्रैक पर जल्दी आ जाएंगी। लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से बेटर ओपनिंग की उम्मीद रखते हैं इस बारी। इस बार जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हो चुके हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन के बाद परफॉर्म करना है। वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन तो इम्पॉर्टेंट है ही। इस बारी भी मार्केट जैसे जैसे खुलेगी, धीरे धीरे सब लोगों को अपनी जिम्मेवारियों को तो समझना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर्स को काफ़ी टाइम लगा वापस अपने रूटीन में आने में। साइट विजिट्स काफ़ी लेट हो रही थी, पर इस बारी मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ हो चुके हैं कि ये तो ऐसे ही चलना है। तो इस बारी समय मुझे लगता है कि कम लगेगा हम लोगों को वापस अपने ट्रैक पे आने पे। हम तैयार हैं, होप कि सभी तैयार हों और अपने अपने कामों को समझें, अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझें। धीरे धीरे कैसे कैसे काम करना है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बारी लोग सब जानते हैं। बाकी जैसे जैसे वक्त निकलेगा, हर बंदा समझदार है, अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए आगे बढ़ेगा। हम भी रेडी हैं, बाजार भी रेडी है, और कस्टमर भी माल मांगने को रेडी है। तो लेट्स होप कि सब चीज़ें वापस अपने ट्रैक पे हों।